अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सहित विभिन्न पार्टियों द्वारा सोमवार को किए गए भारत बंद पर प्रदेश के खादी एवं ग्राम उद्योग, रेशम, हथकरघा एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के मंत्री सत्यदेव पचौरी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि 65 सालों की कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल की कीमतें आसमान पर पहुँच गई और आज कांग्रेस पेट्रोल डीजल पर भारत बंद कर रही है। वो तो वही कहावत हो गई, सूप हंसे तो हंसे, चलनियों हंसे, जिसमें 72 छेद। उन्होंने कहा सरकार तेल के बढ़े दामों को लेकर चिंतित है और बहुत जल्द इसका विकल्प निकाल लिया जाएगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के मंत्री सत्यदेव पचौरी ने कहा, केस्यानी विली खम्मनोचे, समझ गए ना, वो सत्ता से बाहर हैं, अब छटपटा हो रही है, कोई मुद्दा उनके पास है नहीं, केवल पेट्रोल का मुद्दा बनाया। पेट्रोल जानते हैं कि ये हम बाहर से आयात करते हैं, उसकी कीमतें विदेशी जो बाजार है उसके आधार पर निर्धारण होती हैं, और वो कह रहा है कि सूप से सूप, वो क्या बात करे जिसमें छलनी जिसमें 72 छेद है, उसके बावजूद हाँ अब ये दाम हमने बढ़ाए थे। मुझे बचपन की याद है 1970 की, 1 रुपये 12 पैसे में पेट्रोल मिलता था, और ये 65 साल उनकी सरकार रही, तो ये 60 रुपये 70 रुपये किसने पहुंचाया? कांग्रेस ने पहुंचाया। तो क्या सर आप मानते नहीं हैं कि आम आदमी की बात नहीं रही, उस पर कुछ किया जाना? देखिए इसके हम लोग ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत क्या हों उसकी व्यवस्था और उस पर सरकार विचार कर रही। अभी दिल्ली में आपने देखा था 4 दिन पहले सम्मेलन हुआ है, तमाम दुनिया के तमाम देशों के लोग आए थे, और हम इसीलिए वैकल्पिक चीज़ों पर जा रहे हैं। लेकिन अब जब चीज़ बाहर से आ रही है, हम तो सब्सिडी को घाटे में दे रहे हैं, लेकिन सरकार भी सीमा है, सारा पैसा पेट्रोल में चला जाएगा तो विकास के काम अवरुद्ध हो जाएंगे, तो समन्वय बनाना पड़ेगा। लेकिन उस जितनी चिंता सबको है उतनी चिंता सरकार को भी है इस विषय में।